केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव को लेकर ट्रांसपोर्ट मालिक और वाहन चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसकी वजह से पर्यटकों और लोगों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि नए साल के मौके पर पर्यटक उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का रुख करते हैं। वहीं डोईवाला में हड़ताल की वजह से पर्यटकों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ट्रक यूनियन के साथ टैक्सी और लोडिंग वाहन चालक हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं वाहन मालिकों ने इस कानून को वापस लिए जाने की मांग की है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। ट्रक यूनियन डोईवाला और यहाँ पे जितने भी विक्रम के जितने भी यूनियंस हैं और हमारे जितने भी लोडर की यूनियन है, आज यहाँ पे भी सभी ड्राइवरों ने एक राय होकर अब हड़ताल शुरू कर दी गई है। और हम लोग भी इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जिस तरह का जो नियम वर्तमान सरकार ने जो लागू किया है, मैं समझता हूँ भी कहीं भी वास्तविक अगर आप स्थिति देखें तो नहीं हो पाएगा। आप उसमें एक ये है कि गाड़ी में पीछे से भी अगर कोई टक्कर मार दे तब भी जो बड़ी गाड़ी वाला है उस पर मुकदमा दर्ज होना है। और कई बार मजबूरी होती है ड्राइवर की, पब्लिक के बीच में ऐसी जगह होता है कि वो वहाँ से निकल के अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाए वहाँ से निकल के कोशिश करता है किसी थाने में चौकी में गाड़ी खड़ी करूँ, क्योंकि उसको अपनी जान भी बचानी होती है। तो जो भी नियम कायदे कानून बनने चाहिए, हर चीज़ को देख के बनने चाहिए। आज ने जो सरकार ने जो ये नया कानून बनाया है ट्रैफिक के लिए, तो इसके विरोध में जो है हम ये आज तो हम खाली वार्निंग दे रहे हैं, कल से जो है हम बिल्कुल चक्का जाम करेंगे, किसी भी वाहन को जाने नहीं देंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। क्योंकि ड्राइवर एक टेक्निकल आदमी है और टेक्निकल फॉल्ट जो है ये किसी से भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइवर को ये तुमने 10 साल के लिए जेल में डाल दिया और 7 लाख उस पर जुर्माना लगा दिया तो वो बेचारा वो तो रहेगा जेल में, उसके बच्चों कौन पालेगा, वो 7 लाख रुपए कहाँ से ला के देगा जे। तो इस विरोध में जो है हम जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं करती तब तक जो है हम ना तो गाड़ी चलाएंगे और ना ही जो है हम यहाँ किसी के वाहन को जो है चलने देंगे। डोईवाला में जो है लगभग हजारों से ज़्यादा ड्राइवर हैं जिनके जो है इस कानून से जो है जिनकी रोजी रोटी पे जो है फर्क पड़ेगा, और ये हम जो है जितने भी ड्राइवर हैं सब इसका समर्थन कर रहे हैं।